नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं अंकित। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली मिथिलांचल की प्रीमियम ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति मधुबनी पेंटिंग से सज धज कर 9 कोचों के साथ नई दिल्ली रवाना हुई। मधुबनी पेंटिंग अपने सुनहरे सफर पर निकल पड़ी है और विश्वास मानिए, अगर आप इस ट्रेन को सामने से देख लेंगे तो ट्रेन की खूबसूरती देखकर आप कह उठेंगे वाह। आपको बता दें कि बिहार की संस्कृति को समेटे ये ट्रेन पहली बार गुरुवार को दिल्ली पहुंच गई। ट्रेन के डिब्बों पर परंपरागत पेंटिंग की गई है। भारतीय रेलवे की कोशिश है कि कई और ट्रेनों में जल्द ही मधुबनी पेंटिंग की कलाकृतियां देखने को मिले। बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन के सारे डिब्बों पर मधुबनी की सुंदर कलाकृतियां उकेरी गई हैं। ये रंग बिरंगी ट्रेन जहां से भी होकर गुजरी, बस सब उसी को निहारते रह गए। सभी ट्रेन के खूबसूरती के कायल हो गए। आपको बता दें कि इन तस्वीरों में बिहार के मिथिलांचल की लोक कला को दर्शाया जाता है। इसमें महीन रेखाओं वाली रंगीन पेंटिंग बनाई जाती है। देश विदेश में इनकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहले ये रंगोली के रूप में शुरू हुई थी, जो अब पेंटिंग का रूप ले चुकी है और कहा जाता है कि ये कला मिथिला नरेश राजा जनक के समय से बनाई जाती है। देश विदेश में मधुबनी पेंटिंग की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इससे जुड़े लोगों का कहना है कि मधुबनी पेंटिंग में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और अब तो हमारी भारतीय रेलवे भी इस पेंटिंग को अपने ट्रेनों पर सजा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।